छत्तीसगढ़ में 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा का सामूहिक बलात्कार की घोर निंदा करते हुए विद्यार्थी परिषद ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। परिषद जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए नाबालिग आदिवासी 14 वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और धर्मांतरण के मामले में जब एबीपी के कार्यकर्ताओं ने उस नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक तौर पर इसका विरोध किया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गैर जमानती वारंट से जेल में डाल दिया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस घटना निंदनीय पर शर्मसार बताया, जिसको लेकर न्याय मिले और एबीपी कार्यकर्ताओं पर जो अमानवीय व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है उसकी कड़ी निंदा करती है। सिवनी से जिला ब्यूरो विमल चौबे के साथ देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए 14 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार को लेके आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिवनी नगर द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार भूपेन बघेल का पुतला जलाया जा रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या पीटी की व्यवस्था को न्याय नहीं मिलेगा? इतना देर क्यों लगाया जा रहा है उसे न्याय देने में, और उसे ही गलत क्यों ठहराया जा रहा है? और तो और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जब संवैधानिक तौर पे इसका विरोध किया तो छत्तीसगढ़ की नकारा सरकार ने उन्हें गैर जमानती वारंट लेकर जेल में डाल दिया, जिसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है। और आज सिवनी नगर द्वारा सरकार का विरोध